हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की तीन हेयर स्टाइल जो कि बहुत इजी होते हैं और आप एक ही बार में एक ही तरीके से तीनों हेयर स्टाइल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बॉब पिंस चाहिए जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, छोटी वाली, बड़े वाले। और रबर चाहिए आपको, ब्लैक रबर ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और कॉम, टेल कॉम नहीं है, कोई भी कॉम आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी तरीके की आप हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हेयर को आप सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको बच्चे की जो फ्रंट से है उसको ट्विस्ट ट्विस्ट करना है। पहले पार्ट को दो पार्ट्स करेंगे, पहले को दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करना है हमने। ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर हमें नीचे वाले सेक्शन को ट्विस्ट करना है। और यही वाला जो तरीका है वो हमें पूरे नीचे तक कर लेना है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है ये, आप कभी भी बना सकते हैं। बेसिकली आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कई बार हमें समझ नहीं आता, थोड़े से कहीं हमें आसपास जाना होता है तो हम फटाफट से बना सकते हैं। ये देखिए नीचे तक हमने कर दिया है। अब हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से उठाना है, हमें उसको उठाना इसलिए है ताकि बाउंस आ जाए हमारे हेयर में। मुझे ये ट्रिक बहुत पसंद है। कोई भी हेयर स्टाइल को अगर हम ऐसे उठा लेते हैं, कोई भी, अगर आप चाहे फ्रेंच कर रहे हो चाहे ट्विस्टेड वाली कर रहे हो, तो उसको आप बहुत अच्छे से उसको सेट कर सकते हैं। उसको उठा के एक अलग तरीके की वॉल्यूम ऐड हो जाती है। देखिए आप डिफरेंस खुद ही देख रहे हैं। और उसको हमने बॉब पिन से टक कर देना है। देन हमने अपने हेयर को इस तरीके से एक्सेसराइज करना है। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आगे आप हेयर कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी हेयर स्टाइल है। चाहे तो आप दूसरे साइड भी यही कर सकते हैं। वैसे मैंने एक ही तरफ से किया है, दूसरी तरफ से मैंने पिनअप किया है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अब इसकी वन साइडेड ब्रेड बना ली है, जिसे हम खजूर भी बोलते हैं और ब्रेड भी कहते हैं। बहुत इजी है ये, हमें इजीली अपने हेयर को थोड़े थोड़े से पार्ट्स लेने हैं और उन्हें इस तरीके से आगे की तरफ लेना है। ये बहुत इजी तरीका है ब्रेड बनाने का। और ये वाला अगर मेथड आपको आ जाता है तो आप हर कहीं कोई भी आप चोटी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने करते रहना है जब तक कि ये पूरी नीचे तक ना आ जाए। बहुत अच्छी लगती है। अगर आप किसी नॉर्मली आप इसके साथ आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्सेसरी। अगर आपको डायमंड में पसंद है, जैसे कहीं हम कहीं पर ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं, तो उस टाइप की आप बच्चों के लिए एक्सेसरी ला सकते हैं और ये वाला आप हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है। इसी तरीके से हमने ब्रेड के पास भी ऐसे ही उसको उस तरीके से उठाना है और अपनी हेयर एक्सेसरीज लगा देनी है। बहुत औसम लगता है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल बहुत है इसलिए बहुत औसम लगता है। और अब हमने इसी को ही कंटिन्यू करना है थर्ड हेयर स्टाइल के लिए। हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा ना खोल देना है। और जो ब्रेड थी हमारी, हमने नीचे तक उसको रबर से बांध के हमें ऐसे जूड़े के स्टाइल में उसको साइड बन की तरह बच्चों के लिए टक कर देना। बहुत अमेजिंग लगता है ये वाला हेयर स्टाइल किसी गाउन पे या किसी शॉर्ट ड्रेसेस पे, बहुत अमेजिंग लगता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। और आप इसको किसी भी एक्सेसरीज के साथ आप पेयर कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगता है। बहुत सिंपल है बट स्टिल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन दबाएं।